ये देखिए EMU कार सेट गाजियाबाद का, नए रेक भी यहाँ पे खड़े हुआ है लेकिन नया रेक आगे खड़ा हुआ है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ बंद पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट जो जितनी भी लोकल ट्रेन है सब बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है इनमें। ये देखिए EMU के कोच, यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क होता है EMU का। खूबसूरत है यहाँ पे भी हरियाली EMU कार सेट गाजियाबाद में। ये देखिए EMU कार सेट गाजियाबाद। EMU गाजियाबाद कार सेट में एंट्री कर गए हैं हम और अब जा रहे हैं EMU। अभी अभी अराइव करा है, यहाँ पे आवाज़ आ रहा होगा। और आज हम EMU गाजियाबाद कार सेट में आए हैं, मेरे साथ दे रहे हैं आनंद भाई और आगे हिमांशु भाई जा रहे हैं, वो हमारे साथ दे रहे हैं और उनके साथ में एक भैया भी हैं हमारे पास साथ। तो आज हम EMU कार सेट में आए हैं जहाँ पर हम अब कोशिश कर रहे हैं कैब राइड लेने की। खूबसूरत नज़ारे EMU कार सेट गाजियाबाद के। अभी हम ट्राई कर रहे हैं ताकि हम छोटा सा एक कैब राइड ले सकें EMU ट्रेन का। भैया हमारे साथ हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे साथ आ जाती है तो हम उसमें थोड़ा सा एक कैब राइड ले सकते हैं EMU ट्रेन का। एक ट्रेन अभी वहाँ पे चली गई है, शायद हम उसमें ले सकते थे लेकिन वो हमसे पहले निकल गई है। वो तो भैया साथ में जा रहे हैं हमारे, देखते हैं। और ये आनंद भाई हैं अपने फ़ोटो लेते हुए। और यहाँ पे EMU खड़ा हुआ है और एक वाइट स्पेशल खड़ी हुई है, NR की महिला स्पेशल जो देखेंगे। EMU गाजियाबाद कार सेट में एक चमचमाता हुआ रेक मेमो का यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम इसके कैब व्यू में चलते हैं और आपको उसका इंटीरियर दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर किस प्रकार से है। तो चलिए हम इसको जीने पे इसके चढ़ते हैं और आपको कैब दिखाते हैं इसका। एक मिनट रुकिए, ये मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और ये हम कैब में आ गए हैं। और ये ब्रेक अप्लाई है ये इसका, इसके बाद ये आपको स्पीडोमीटर जो मैक्सिमम स्पीड 120, इसके बाद ये आपका टोटल के बाद आपके बाकी सारे कंट्रोल्स जो मीटर वगैरह है, प्रेशर वगैरह, इन सब के कंट्रोल्स और स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये ट्रेन रोहतक जंक्शन का यहाँ पे बोर्ड पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ का कौन बोर्ड है वो मैंने देखा नहीं है। तो ये इसका कंट्रोल है, इसका इंटीरियर है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोटरमैन इसको कंट्रोल करता है, वो भी पूरा दिन खड़ा होकर के इसको चलाता है। चलिए दूसरे दिन। तो दोस्तों ये नया रेक है लोकल ट्रेन का जो रोहतक जंक्शन का, इसके इंटीरियर में बोर्ड पड़ा हुआ है और ये बाजू में तो अपना पता ही है EMU कैब राइड हमको मिलता है या फिर नहीं मिल पाता। कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छा है, सेंटिंग भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए।
देख सकते हैं आप। लेकिन एक बात की कमी है इसमें, ICF पिंक वाला अगर हमको मिल जाता है ICF पिंक की तो मज़ा ही आ जाता। उसके क्या नज़ारे हैं, जा रहे हैं हम आगे की तरफ। आप थोड़ा सा देख लेते हैं पैरेलल है इनका फोटो। ये व्हील लगभग एक साल होने वाला है इन ट्रेन को पटरी पे दौड़ते हुए दोबारा देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये लोकल ट्रेन हमारी NR की, नॉर्दर्न रेलवे की, हमको अपने ही स्टेशनों पर दोबारा से नज़र आएगी और हम इनमें दोबारा से फिर से सफ़र कर पाएंगे। देखिए न्यू रेक खड़ा हुआ है फिलहाल अंदर जो आया है, और बाकी आप इसके बाजू में देख सकते हैं वो खड़ा हुआ है। तो आज हम फाइनली EMU कार सेट में पहुँच गए। सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे हम 1 बजे से कि कब तक यहाँ पे आएंगे। ये देखिए फोन की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, वेस्ट हॉन्गकॉन्ग का रहता है। ट्रैक्शन मोटर इसका चालू है,
समझ आ गया ये कार सेट में साथ में साथ में कैब राइड भी मिल गया सारे इनके ट्रैक्शन मोटर मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं जो भी चेकिंग वगैरह इनका होता है फाइनली हम घूम चुके हैं ईएमयू कार सेट गाजियाबाद में और कैब राइड भी हमको मिल गया है।